दोस्तों अगर आप माता रानी से प्यार करते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता वैष्णो, जय माता दी। माता रानी आपके घर दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक रूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी माँ देवी का स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को पावन पावनी वृक्ष के बारे में बताऊंगी। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने वाला है। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देवी वृक्ष कहे गए हैं। ये देवी का स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में इनको देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा करनी भी जरूर चाहिए। साइंस भी कहता है पेड़ पौधे हमें फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हैं लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। तो नवरात्रि के समय में ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्म शास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है, जड़ी बूटियों में ही छुपा है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल एक वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अधिक होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्षों के बारे में बताऊंगी। हमारे धर्म शास्त्रों में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हो तो आपकी सभी प्रकार की परेशानियाँ, सभी प्रकार की कष्ट है सब समाप्त हो जाते हैं, खास करके नवरात्रि के समय में। नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है जो मनुष्य को शक्ति प्रदान करता है, सिद्धि की प्राप्ति होती है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है वो भी चेतना युक्त हो जाती है, अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है। नर दुर्गा को क्या बोल सकते हैं? हम शक्ति बोल सकते हैं। तो माता रानी इस धरा पर आती हैं, इस पृथ्वी लोक पर आती हैं। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, चल अचल सभी प्रकार की जो वस्तु हैं, इन सब में प्राण आ जाते हैं, इन सब में शक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो इस समय कोई भी पेड़ पौधे को जाकर के छूते हैं, खास करके देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, अगर आप जाकर के इसे छू करके आते हैं तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, परेशानी है, कला है, कलेश है, जीवन में चल रही बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती है। आज मैं आप लोगों को तीन पौधों के बारे में बताऊंगी और ये तीन पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर आज का वीडियो मिस कर दिया तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा ही फल देगा। अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित होता है क्योंकि नवरात्रि एक ऐसा पर्व होता है, ऐसा समय होता है, केवल 9 दिनों के भीतर में आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल 9 दिनों के भीतर में ही आप अपनी समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिन वृक्षों के बारे में बता रही हूँ ये सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है, जय माता दी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हैं तो हमें भी काफी हर्ष होता है, काफी उल्लास होता है। आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और आप सभी लोगों के लिए इस प्रकार ज्ञान भरी जो अच्छी अच्छी जानकारी होती है हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो अगर आप इस प्रकार की जानकारी में दिलचस्पी रखते हैं तो आप हमारे चैनल को शुभ मंगल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। हम सरल से सरल और ताकतवर उपाय बताते हैं जो उपाय बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं और ये रामबाण की तरह काम करते हैं। जिस प्रकार प्रभु राम के जो बाण होते हैं अचूक होते हैं, उसी प्रकार हमारी वीडियो में बताए गए जो उपाय होते हैं अचूक होते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। कौन से ऐसे तीन वृक्ष हैं जिनको हमें छू करके नवरात्रि के समय में जरूर आना चाहिए? एक खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी, नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करना। देव वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष आते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन से वृक्ष छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहला जो वृक्ष है बेल का वृक्ष है। जो बेल का वृक्ष है ये वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती है ये देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात ये नव दुर्गा का स्वरूप कही गई है। अर्थात ये स्कंद पुराण की कथा में कहे गए जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के
पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसकी डाली में माता पार्वती, जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्सा है उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप ये नव दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल का वृक्ष है इसके नीचे घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं कि नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को मां नव दुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छूकर के आता है तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल अगर उपवास व्रत रखा है, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग उपवास व्रत रखते हैं ऐसे व्यक्ति की थकान सुस्ती तत्काल चली जाती है। ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति उपवास रखते हैं ऐसे व्यक्ति को नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके संध्या काल में बेल के वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। केवल आप ज्यादा नहीं छू सकते तो 7 बार जरूर छू कर के आ जाना और बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जरूर जला देना। घी का दीपक जलाते हैं तो इसके क्या फायदे मिलते हैं ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि जब हम उपवास व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर में काफी थकान आ जाती है, हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। हालांकि हमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है लेकिन हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। भोजन न करने के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है और इस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें बेल वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। अनेक संत महात्माओं ने बेल वृक्ष के पत्तों को खा करके तपस्या की है एवं कई प्रकार की सिद्धियां हासिल की है। धर्मशास्त्र कहता है अगर नवरात्रि के समय में बेल के पत्ते खाए जाएं तो जो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र के जाप कर रहे हैं फिर भी प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर आप ऐसे ही सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं जो सिद्धि आपको काफी लंबे समय से प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो बेल के पत्ते खाने से वो सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धि का मतलब होता है कार्य में सफलता। जो लंबे समय से आपको कार्य नहीं हो पा रहे हैं तो उस कार्य के लिए नवरात्रि के समय में जितने भी दिन हो सके आप जो हैं, जब भी आपको समय मिले तो शाम के समय घी का दीपक जरूर जला देना। और अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में, ध्यान से सुनेगा, अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में अगर बेल वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार की व्याधि दूर होती है। अगर सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटती है। अगर तिल चढ़ाते हैं तो बेल वृक्ष की जड़ में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर बेल वृक्ष के तीनों पत्तों में, ध्यान से सुनिएगा, त्रिदेवी कही गई, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो अगर बेल के जो तीनों पत्ते हैं महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के स्वरूप कही गई है, तो बेल के अगर तीनों पत्तों में एव, दूसरे पत्ते में हिरिम और तीसरे पत्ते में क्लिम, तो इस प्रकार बेल के तीनों पत्तों में लिख करके अगर मां नव दुर्गा को सिंदूर से लिख करके चढ़ा दे तो सिंदूर से लिख करके चढ़ाया जाए तो तत्काल उसी समय मनोकामना की पूर्ति होती है, कार्य में सफलता मिलती है। कोई लंबे समय से आपकी मनोकामना हो, आप चाहते हैं वो मनोकामना पूर्ण हो जाए तो ये उपाय अवश्य कीजिएगा। इसकी जड़ में, ध्यान से सुनेगा, नवरात्रि के समय इसकी जड़ में अगर तांबे की कोई भी रिंग होती है, जिसे हम एक प्रकार की तांबे की जो धातु है जो मंगल से जुड़ी हुई होती है, तो अगर नवरात्रि के समय में इसकी जड़ होती है अगर आप 4 अंगुल खान करके दबा करके जाते हैं, नवरात्रि भर इसे दबे रहने दे, इसके बाद अगर आप पहन लेते हैं तो वह जागृत हो जाती है, क्योंकि जो बेल के वृक्ष है स्वयं कहे गए हैं। नवरात्रि के समय में इसकी जो ऑरा होती है, उसकी ऊर्जा होती है अत्यधिक बढ़ जाती है। अगर आप इस प्रकार की अंगूठी को पहनते हैं तो आपको कभी भी रक्त संबंधी समस्या नहीं आती, शनि का दोष नहीं सताता, राहु की पीड़ा नहीं सताती और नव दुर्गा की कृपा से सदा आप सुरक्षित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। वहीं दूसरे पौधे के बारे में जो हम बता रहे हैं वो पौधा भी जान लीजिए। वो पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष में स्वयं जगदम्बा का स्वरूप कहा गया है। जो शमी का वृक्ष है ये स्वयं जगदम्बा का स्वरूप है। इस पर स्वयं माँ जगदम्बा स्वयं साक्षात विराजमान रहती हैं और कोई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में नवरात्रि के समय में इसके नीचे धूप दीप जलाता है, धुआं दिखाते हैं, तो उनकी सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के पूरे समय में अगर हो सके तो अगर आप एक दिन भी करना चाहते हैं तो ये उपाय एक दिन भी कर सकते हैं, पंचमी में या सप्तमी के दिन कर सकते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि नवरात्रि के समय में लाल चूड़ी अगर कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए शमी के वृक्ष में बांधे तो उस समय मनोकामना की पूर्ति होती है। लाल चूड़ी अगर कोई भी महिला जाकर के पहनाती है तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसकी जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, वो लोग बीमार पड़े हैं, उनके शरीर से 7 बार सिंदूर को उतार करके शमी में डाल सकते हैं तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर आप
बीमारी से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो इसकी जड़ में सिंदूर जरूर डालें। मनोकामना पूर्ति के लिए मैं एक मंत्र बता रही हूँ। इस मंत्र को बोलते हुए शमी के वृक्ष को छूना है और तत्काल नवरात्रि के समय में इसका रिजल्ट देखना। जैसे नवरात्रि समाप्त होगी, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं पूर्ण हो जाएगी, आपकी जो दरिद्रता है वो समाप्त हो जाएगी। तो मंत्र कौन सा है आपको बोलना है? मम मनोरथ है पूरे मम दरिद्र नाश है, ये मंत्र आपको बोलना है। ये मंत्र बोलते हुए शमी के वृक्ष को छूना है। सभी प्रकार की आपके मनोरथ की पूर्ति होगी, आपकी जो दरिद्रता है समाप्त हो जाएगी, छू मंत्र हो जाएगी। ये आपको छूते हुए बोलना है। आप चाहे तो नवरात्रि के समय में मौली धागा की शमी के वृक्ष पर बांध सकते हैं। अधिकतर लोग मौली धागा बांधते हैं। मौली धागा बांधने से माता रानी आपसे बंध जाती है। कहने का मतलब है कि माता रानी आजीवन आपका साथ देती है, आपके हर कदम पर मार्गदर्शन करती है। इसकी जड़ की मिट्टी ला करके ध्यान से सुनिएगा। नवरात्रि के समय में अगर आप जो है नव दुर्गा का उपवास नहीं कर पा रहे हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो केवल इसकी जड़ की मिट्टी ला करके नवरात्रि के समय में स्नान करने से व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है, व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है, व्यक्ति की जो टूटी फूटी किस्मत होती है वो भी चमक जाती है। जैसे अधिकतर लोग बोलते हैं कि हमसे लक्ष्मी नाराज हो चुकी है, लक्ष्मी हमारे घर में आना ही बंद कर चुकी है, तो आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए तो नित्य नवरात्रि के समय में इसकी मिट्टी को ला करके नवरात्रि के समय में स्नान करना शुरू कर दें। नहाने वाले पानी में डाल करके करना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर में दोष दूर हो जाएंगे। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की पीड़ा है, नकारात्मक शक्ति है, आपके शरीर में प्रवेश कर गई है, वो भी समाप्त हो जाएगी। तीसरे वृक्ष के बारे में बता रहे हैं, तो इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। जो तीसरा वृक्ष है वो है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और ये देवराज इंद्र के नंद पवन में स्थापित किया गया था। पारिजात वृक्ष भगवान कृष्ण ने मानव कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। जो पारिजात का वृक्ष है इसे भी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुई थी और पारिजात का वृक्ष भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुआ। इस नाते ये माता लक्ष्मी की बहन कही जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी मनुष्य उनके शरीर में कितना भी ज्यादा थकान हो, कितनी भी पीड़ा हो, जैसे कि नवरात्रि का अगर आप व्रत रखते हैं और व्रत के दौरान अगर आपके शरीर में थकान है, पीड़ा है, तो पारिजात के वृक्ष को शाम के समय में छू करके आ जाना। आप चाहे तो नवरात्रि के किसी भी टाइम में आपको जो टाइम मिले उस समय में जाकर के इस वृक्ष को छू सकते हैं। इस वृक्ष को छूते ही तत्काल पीड़ा खत्म हो जाएगी, कमजोरी है समाप्त हो जाएगी। यदि इसके वृक्ष के नीचे अगर नवरात्रि के समय में घी का दीपक जलाएं, चुटकी भर सिंदूर अगर इसकी जड़ में डाल दें, तो सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन आपको प्रार्थना जरूर करनी है। ये पारिजात वृक्ष आप देवी स्वरूप कहे जाते हैं। आप हमारी सभी प्रकार की पीड़ा को दूर करें। ग्रह दोष है, पितृ दोष है, लक्ष्मी दोष है, इसे आप समाप्त करें। लक्ष्मी स्वयं आपकी बहन है। माता लक्ष्मी का हमारे घर में जीवन में प्रवेश हो जाए, इस प्रकार का आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आप इनसे जो है मनोकामना बोल सकते हैं, मनोरथ बोल सकते हैं। ये लक्ष्मी की बहन कही गई है, क्योंकि समुद्र मंथन से इनका उत्पन्न हुआ है। तो अगर आप भी जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई कामना है, कोई कामना अधूरी रह गई है, तो हम इन तीन वृक्षों के बारे में बताया है। इन तीनों को नवरात्रि के समय में छूना शुरू कर सकते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति इन तीनों को छू लेता है, ध्यान से सुनिएगा, इन तीनों वृक्षों को छू लेता है, तो ऐसे व्यक्ति के कार्य सफल होने से, ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से, दुनिया की कोई भी शक्ति कामना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति प्राप्त करने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, सोए भाग्य को जागृत करने के लिए नवरात्रि में जो ये उपाय है वो जरूर कीजिएगा। ये उपाय सोने पर सुहागा होते हैं। ये आपकी जिंदगी को संवार देंगे, आपकी जिंदगी में चल रही परेशानी को दूर कर देंगे। तो ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना। इस जानकारी को आगे जरूर शेयर करना। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता दी अभी तक नहीं लिखे हैं तो जय माता दी जरूर लिख दीजिए। माता रानी आप सभी दर्शकों के सभी प्रकार के मनोकामना को पूर्ण करें।